नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बन जाएं। तो मित्रों, यहाँ पर आज हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका मीन राशि है तो मीन राशि फल मई 2022 आपको किस प्रकार से प्रणाम देने वाला है, यदि आपका पाइसेस साइन है तो मई 2022 आपको किस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रणाम देने वाला है, क्या होगा आपके लिए अच्छा और कहाँ पर आपको करना पड़ेगा संघर्ष, इसकी हम बात करेंगे। मंथली हॉरोस्कोप है तो इसलिए ये एक महीने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और चर्चा भी हमारी एक महीने की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ तारीख यहाँ पर डाल रखी है और यहाँ पर इन डेट्स को आपको बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, इसलिए आपके जीवन में यहाँ पर किस क्षेत्र में आपका बड़ा परिवर्तन होने वाला है इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 मई को बनने वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो आपको किस प्रकार से आपका चार्ट बन रहा है और यहाँ पर यदि उसकी जो मूवमेंट जब होगी तो उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो चार्ट है वो आपको रिजल्ट किस प्रकार से देगा इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि 1 मई को बनने वाला जो चार्ट है, यदि हम लग्न कुंडली की बात करें तो यहाँ पर आपका पाइसेस यानी 12 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर आपका जो स्थिति बनने वाली है उस दिन जुपिटर नेपच्यून और वीनस की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपके लग्न पे ही रहेगी, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। आपके प्रोफेशन के जो लॉर्ड हैं और आपके जो लग्न लॉर्ड हैं ये दोनों यहाँ पर आपके जो गुरु और नेपच्यून ये दोनों आपके लग्न पे ही बैठे हुए हैं यानी आपके फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर ये जो स्थिति बनती है तो ये आपको काफ़ी संघर्ष में भी लेकर के आती है, आपको सामाजिक संघर्ष भी में भी यहाँ पर लाने का काम यहाँ पर करती है, आपको नए दृश्य और नए परिवेश में ले जाने की क्षमता भी यहाँ पर रखती है। तो ये जो स्थिति आपकी बन रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके रिलेशनशिप इस समय यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपके अप्रैल की बात, यदि आपने अप्रैल की वीडियो देखी हो तो अप्रैल की वीडियो में भी मैंने रिलेशनशिप की बात की थी और यहाँ पर भी आपके जो रिलेशनशिप है यहाँ पर फोकस आपका ज़रूर होने वाला है, हर प्रकार से आप कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बना रहे। अब यहाँ पर यदि सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस आपका यहाँ पर चार प्लैनेट यहाँ पर मौजूद हैं, उस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु सन यूरेनस और मून की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जबकि थर्ड हाउस में आपके मरकरी की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन यहाँ पर मरकरी की हो जाती है थर्ड हाउस में। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हाउस ये आपका खाली है, जबकि एट्थ हाउस में आपके केतु की पोजीशन है, नाइन्थ टेंथ खाली है और प्लूटो की बात करें तो यहाँ पर आपके इलेवेंथ हाउस में प्लूटो हैं। और यदि सैटर्न की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सैटर्न भी आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मंगल का जो गोचर है वो यहाँ पर आपका ट्वेल्थ हाउस में ही हो रहा है, तो कुछ समस्याओं के साथ यहाँ पर शनि और मंगल आपको जो परिणाम है अपना वो देते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। 28 अप्रैल को यहाँ पर इनका जब ट्रांजिट हुआ है तो उसका जो परिणाम है वो आपको मई में ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे जब बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होता है जिनमें राहु केतु और गुरु और शनि इनका जब ट्रांजिट होता है तो उसके होने से कुछ समय पहले ही उसका परिणाम आपको दिखाई देने लगता है, उसका एक रुझान आपको मिलने लगता है कि आपको कौन सी नई दिशा आपको प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति भी शनि ने आपके लिए ज़रूर बनाई होगी। यदि आप हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर ज़रूर अच्छी होने वाली है, और यदि आप कोई होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वो स्थिति भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर कुछ नया ऐड ऑन करने की स्थिति आपकी ज़रूर बन रही है, कुछ कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा फास्ट मूवमेंट ज़रूर कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं ज़रूर बता दूँ कि यदि बिना तैयारी के आप बहुत तेज़ दौड़ने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर पैर जरूर लड़खड़ाएगा और आप गिर सकते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो इसका जरूर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। व्यक्तित्व की यदि बात की जाए तो आप सदैव एक
कश्मकश में फंसे रहते हैं यानी दुविधाग्रस्त स्थिति आपके इर्द गिर्द जरूर नजर आती है। ये करें या ना करें, इसके करने का परिणाम क्या होगा, इस पर आप विचार जरूर करते हैं। परंपराओं को मानने वाले आप व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए परंपराओं का जो पालन है उसे भी आपको जरूर करना चाहिए। और यदि आप परंपराओं का ध्यान यदि आप रखते हैं, तो यहाँ पर शनि से आपको किसी भी प्रकार की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यदि आपको बात की जाए सेकंड हाउस की, तो यहाँ पर आपका जो अपना व्यक्तित्व है उसे आप हर प्रकार से इम्प्रूव करने का प्रयत्न ज़रूर करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और यदि बात की जाए थर्ड हाउस की, तो यहाँ पर आपका जो लेखन का कार्य है या फिर आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो वहाँ पर इसके लिए जो मरकरी हैं यानी बुध ग्रह, ये हर प्रकार से आपको सहयोग देते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, तो फैमिली एनवायरनमेंट बहुत जो है आपका अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पर आपका अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, अपना जो ईगो है, उसे आपको थोड़ा सा पीछे ज़रूर रखना पड़ेगा फैमिली के लिए और परिवार के अन्य सदस्यों को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो लव लाइफ में आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो चंद्रमा है आपके, वो आपके जब मरकरी से मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ये मरकरी से आपको थर्ड मे को मिलेंगे। और यहाँ पर जब थर्ड मे को मिलेंगे, तो आप नए जो आपकी जो डेटिंग है यहाँ पर, उसके लिए आप ज़रूर जा सकते हैं। कुछ थोड़ा जो है वो घूमने का जो शौक़ है, वो यहाँ पर आपका ज़रूर बढ़ने वाला है। आपकी नई क्रिएटिविटी आपकी जो हेल्प है वो करने वाली है। और यहाँ पर यदि बात करें 15 मई को, तो यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में यानी मरकरी के साथ, वो भी आपके मिल जाएंगे। और जब राजा और राजकुमार का सहयोग बनेगा और साथ में रानी भी होंगी, तो हर प्रकार से आपकी लव लाइफ, आपकी पार्टनर लाइफ, ये आपको हर प्रकार से सहयोग देते हुए ही यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि यदि जीवन में आपने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ और फैमिली एनवायरनमेंट, ये दोनों आपका डिस्टर्ब ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके अपने जो ईगो हैं, उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि ईगो कहीं पर कभी भी नहीं होना चाहिए, किंतु जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर ईगो नहीं काम करता है। तो प्रेम का जो दुश्मन है वो आपका अपना स्वाभिमान हो सकता है, तो यहाँ पर उसका विशेष ध्यान दें। वैसे आप सपोर्टिव नेचर के व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए सपोर्ट करना आपका काम होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसे आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने जन्म कुंडली में ये स्थिति कैसी है, आपके अपने जो जन्म कुंडली का जो चार्ट है उसमें आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसे ज़रूर ध्यान दें। यदि बात करें हम 16 तारीख की, तो 16 मई की बात करें, तो केतु और मून का एक कंजंक्शन होगा आपके 8th हाउस में। और 8th हाउस में जब ये कंजंक्शन होगा, तो आप अपने जो प्रोफेशनल जो फैसले हैं उसे लेने के लिए ये समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पर यदि आप फैसला लेंगे तो आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी हेल्थ की बात की जाए, तो इस समय आपकी हेल्थ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए भी कोई अगर आप बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो एक आध दो दिन आप आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये जो स्थिति है आपके फेवर में आ सकती है। अब यहाँ पर यदि 18 मई की बात की जाए, तो मार्स का ट्रांजिट होगा आपके अगले हाउस में यानी आपके लगन में आ जाएंगे। और यहाँ पर जब मार्स आपके लगन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक जो नई स्थिति आपकी डेवलप होगी, उसे भी आपको यहाँ पर 18 तारीख को मैनेज करना होगा। आपके अपने जो स्वभाव हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर चेंज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अभी तक जो आप इंट्रोवर्ट फील कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्स्ट्रोवर्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर कुछ नया करने के लिए आपके अंदर एक जोश जो चाहिए, वो यहाँ पर मंगल ग्रह देते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। आपको नई उम्मीदों से आपको जो है रूबरू कराएंगे, और नई उम्मीदें आपको हर प्रकार से लाभ देने का काम करेंगी, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपकी अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसके लाभ की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपके जो प्लूटो हैं, उनकी भी जो पोजिशन है वो आपके लाभ भाव में ही है। तो यहाँ पर आपका जो अथॉरिटेटिव नेचर होने वाला है यहाँ पर, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब यदि बात कर लें कि आपके 23rd मई की, तो
सैटर्न और मून का एक कंजंक्शन आपके 12th हाउस में होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन की ओर आपको लेकर के ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये उत्तम व्यवस्था होगी। इसके अलावा यदि आप कोई मेडिसिन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो उस समय में आपको थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यदि आप हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कोई बैंक में आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो यहाँ पर उस समय में ये आपका काम बढ़ने वाला है। थोड़ा सा आप जो नए फैसले हैं यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए 25th मई की बात की जाए, तो मून जुपिटर और मार्स का एक ट्रांजिट यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस में हो रहा होगा लगन में, और यहाँ पर ये जो स्थिति बनेगी वो आपके अपने व्यक्तित्व को हर प्रकार से सुधारते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पर आप अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्थिति आपकी ज़रूर बनेगी कि आप अधिक खर्चे का जो है आपको समस्या हो सकती है, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको निवेश की रणनीति जरूर अपनानी चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा समय है, आप उसके लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नई बुकिंग करानी हो तो इसके लिए भी आप बुकिंग करा सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी में ब्रोकरेज का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर आपका जो काम है वो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा इस मई के महीने में। अब बात कर लें यदि 28th मई की, तो मून वीनस और राहु की जो एक पोजीशन बनेगी वो आपके 12th सेकंड हाउस में बनेगी, और यहाँ पर आप हर प्रकार से अपने जो खर्चे हैं, मैं बार बार खर्चों की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन ही ऐसी बनी हुई है। यदि आपका नेटल चार्ट, आपकी जन्म कुंडली आपका जो खर्चों की बात करती है वो यहाँ पर इशारा करती है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके खर्चे बिल्कुल आपके रोके नहीं रुकेंगे। लेकिन यदि आपके जो जन्म कुंडली है वो बहुत ज़्यादा खर्चों की बात नहीं करती है, तो यहाँ पर आप अपने जो विल पावर है उससे आप खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये मई का महीना आपके लिए थोड़ा सा खर्चेलू ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर 30th मई की बात करें तो सन, मून और मरकरी का एक ट्रांजिट यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में ही होगा, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके जो ब्लॉगिंग का काम है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम है या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी है, तो यहाँ पर इस समय में ये काम आपका थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यदि आप ट्रैवलिंग का कोई भी काम करते हो, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ उसका काम हो, तो यहाँ पर आपको नए ट्रैवल के ऑर्डर आपको ज़रूर मिलेंगे, यहाँ पर नई बुकिंग्स आपको ज़रूर मिल सकती है। लेखन का काम करते हो, संपादन का काम करते हो, या फिर आप कोई जो है आप बुक राइटिंग का काम करते हैं, या फिर इंटरनेट पे ही बैठ करके आप ब्लॉगिंग के लिए कोई राइटिंग का काम करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल होने वाली हैं। यदि आप कोई जॉइंट वेंचर नया करना चाहते हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए आपको यहाँ पर फेवरेबल ही यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको यदि हेल्थ वेल्थ और जॉब से जुड़ी हुई जो आपकी स्थिति है, यदि उसकी भी बात कर लें तो जॉब के लिए आपको, आपके लिए जो ये स्थिति है वो काफ़ी फेवरेबल यहाँ पर शुरू में बनी हुई है, लेकिन 15th मई के बाद जब सन का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में हो जाएगा, तो यहाँ पर जब सूर्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर हो जाएगी। यहाँ पर किसी का सहयोग लेकर के आप नई जो इस आपकी जो है जॉब की रणनीति है, यानी आप प्रमोशन चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी के सहयोग से आप निश्चित तौर पर प्रमोशन का भी विकल्प चुन सकते हैं। यदि बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी ये स्थिति आपकी पॉजिटिव ही बनी हुई है। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती है। यदि आप गलत फैसले लेंगे, जो मैंने यहाँ पर डेट्स लिख रखी है, यदि इन तारीखों का आप विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखेंगे और कोई गलत फैसला लेते हैं तो यहाँ पर उसकी वजह से आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से आपका लग्न डिस्टर्ब है या फिर आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मई के महीने में आप किस प्रकार की रेमेडी कर सकते हैं, यानी उपाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रेमेडी की बात करते हैं। यदि उपाय की बात करें तो यहाँ पर
आप अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए येलो सफायर का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी पुखराज का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर पुखराज को आप धारण कर सकते हैं इस फिंगर में। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि आपका मून पाइसेस में ही है, यानी आप मून साइन के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आपके शनि का जब प्रवेश हुआ है अप्रैल में 28 अप्रैल को, तो यहाँ पर आपकी एक जो 7.5 है वो शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका जो मन है वो हर प्रकार से दबाव में रहने का जो एक स्थिति है वो बनते हुए नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप उस स्थिति में वाइट पर्ल यानी सफ़ेद मोती का आप प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद मोती को आप धारण कर सकते हैं मरकरी की फिंगर में। इसके अलावा यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके प्रणाम के पहले आप उसे रिवीजन जरूर कर लें। किए हुए कार्य का यदि आप रिवीजन करते हैं तो ये आपके कार्य में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्डअप करता है। तो यहाँ पर जब आपके आत्मविश्वास में कमी की स्थिति बनती है तो यहाँ पर आपका रिवीजन आपको आत्मविश्वास देता है, आपको नया बल प्रदान करता है। आपके किए हुए काम को जब आप देखते हैं तो उससे आपको आगे और कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है उसका आपको लाभ यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। उन घटियानुसी जो परंपरा होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई लाभ नहीं होता, तो ऐसी परंपराओं को आप विशेष तौर पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप सदैव दुविधा की स्थिति में होंगे, क्योंकि मन आपका एक तरफ जाएगा और आपका जो स्थिति है, जो एनवायरनमेंट है, वो आपकी दूसरी तरफ जाएगी। तो ये दोराहे में यदि आप फंसे रहेंगे तो दुविधाग्रस्त स्थिति से आपको हर प्रकार से नुकसान ही होने वाला है। तो यहाँ पर अपनी दुविधा को समाप्त करिए और आगे बढ़ने का नया मार्ग अपना देखिए। यदि जाने अनजाने किसी भी प्रकार से आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा मांग करके उसकी और उस गलती को तुरंत सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं, और गलतियों को ध्यान देना, उसकी जो है कमियों को दूर करना, ये हर व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, ये बढ़ाने का ही काम करता है। तो गलतियों से शिक्षा लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल सार्वभौमिक होने चाहिए, सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता हो। यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके और उस पर आप कोई सवाल करेंगे तो बिना चार्ट का एनालिसिस करे हुए किसी भी प्रकार से आपको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके यदि उसमें कोई ऐसे सवाल हैं जिसमें यस या नो में आंसर दिया जा सकता हो तो यहाँ पर वैसे सवाल आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे और अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में ज़रूर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।